अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारा सिटी यूनिवर्सिटी पार्ट टू है जिसमें हम लोग आप लोगों को टूर कराएंगे इनका फार्मेसी डिपार्टमेंट। तो आगे सारी वीडियो यही बनाएगा, सारा कुछ यही बोलेगा, इन दोनों का डिपार्टमेंट है। और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर आप लोग हम लोग विजिट कराएंगे पूरे डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट जो सिटी यूनिवर्सिटी की, पूरी सिटी यूनिवर्सिटी का आप लोग को यहाँ तक हर एक डिपार्टमेंट की छुट्टी के साथ भी मिलाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी, और बेल आइकन लाजमी दिखाना। तो आप लोगों से मिलते हैं पर आगे इन लोगों के डिपार्टमेंट टूर कराते हैं आप लोग। अच्छा तो गाइस, अभी हम आए हमारे डिपार्टमेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये हमारे मेरे साथ बैठे और ये वलीद। हम आपको अभी अपने डिपार्टमेंट की टूर कराते हैं हमारी फार्मेसी, जिसमें अभी सेकेंड थर्ड बैच आने वाला है। सेकेंड बैच तो खैर आ चुका है। इसमें हमारे साथ है एक लाइब्रेरी और चार लैब्स, और बाकी जो है स्टाफ फैकल्टी का तो अपना ही ऑफिस होता है। क्या बात है सर, क्या बात है, सर क्या बात है, ये बात है। कितनी क्लासेस है, मैंने जैसे आपको कहा कि अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हमारे यहाँ यहाँ पे नया सेशन स्टार्ट होने वाला है एडमिशन स्टार्ट से। तो जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं वो खामखा विजिट करें, एज एक्सपीरियंस, हर एक बंदे की एक्सपीरियंस होना चाहिए नई नई जगह पे जाए। और वही मैं आपको एक अलग सी चीज दिखा दूं, आया है ये वो जगह है जहाँ पे हमारी हुकूमत होती है, हमारी टीचर्स की हुकूमत यहाँ पे होती है। हमारे टीचर्स का पर्सनल ऑफिस है, एचओडी हमारे यहाँ बैठते हैं। और तो गाइस, अभी मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ, और लेबोरेटरीज को आ गया है। यहाँ पे हमारे जो लेबोरेटरी के स्टाफ होते हैं पर्सनल, यहाँ से हम असिस्ट करते हैं। और वही इंटीरियर देखते हर एक इक्विपमेंट मौजूद जो हमारे लिए चाहिए होती है। एसी मौजूद है हमारे साथ, वॉशिंग मशीन मौजूद है, और ये हमारे साथ डेस्क है जहाँ पे हम एक्सरसाइज एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, एक्सरसाइज भी यहीं पे परफॉर्म करते हैं। देखो हमारे साथ सारी जो हमें सहूलियात मिलती है ना, वो यहाँ पे हमें मौजूद है। बाकी आप ये आपको दिखा देंगे कि कितना ये वाइड है हमारा लेबोरेटरी। हर एक लेबोरेटरी ऐसी ही है, जैसे ये लेबोरेटरी है इतनी वाइड हर एक लेबोरेटरी है। गाइस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ लाइब्रेरी, जो हमारी पर्सनल लाइब्रेरी है, जहाँ पे फार्मेसी स्टूडेंट्स के अलावा कोई भी स्टूडेंट जिसकी इजाज़त नहीं मिलती यहाँ पे बैठने की। मैं आपको दिखाता हूँ फार्मेसी लाइब्रेरी। गाइस, जो पीछे शेल्फ में आप देख रहे हैं हमारे साथ जितनी भी बुक्स है, ये हमें फार्मेसी में काम आएंगे, जिससे हम पढ़ेंगे और अभी भी पढ़ रहे हैं। हम तो खैर फिफ्थ सेमेस्टर में, लेकिन जो बाकी जूनियर्स आएंगे ना, उनको उनके लिए जितने भी बुक्स रेफ़र हुए हैं वो सारे फार्मेसी की तरफ से, एचएससी की तरफ से, उनके लिए सारे बुक्स यहाँ पे हमें हमारे एचओडी ने अवेलेबल किए, हमारे डिपार्टमेंट ने अवेलेबल किए। मतलब हर एक चीज़ हमारे लिए अवेलेबल है। और ये जो खासियत है ये सिर्फ हमारे फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि नीचे जो लाइब्रेरी है वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स मिक्स सब सारे डिपार्टमेंट के बैठते हैं, लेकिन हमारी फार्मेसी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पर्सनल लाइब्रेरी, पर्सनल लेबोरेटरीज और पर्सनल कंप्यूटर्स, कंप्यूटर लैब की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइब्रेरी में हमारे साथ ये देखने पीछे सारे के सारे कंप्यूटर्स मौजूद हैं, जिससे हम अपना स्टडी वर्क जितनी भी काम होते हम यहाँ से ही कम्प्लीट करते हैं। और जो मेन बात होती है सिटिंग एरिया, तो आप देख ले कितना वाइड टेबल है,
और चेयर्स सब सारी सहूलत मौजूद है हमारे साथ माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं वो विज़िट करेंगे खामखा फार्मेसी डिपार्टमेंट और विजिट यूनिवर्सिटी भी करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो न्यू सेशंस आ रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स, न्यू एडमिशन आ रहे हैं, वो अभी स्टार्ट है। तो गाइस जल्द अज़ जल्द विज़िट करें हमारी सिटी यूनिवर्सिटी, उम्मीद है आप सब आएंगे और मुलाकात भी होगी, जो व्लॉगर्स हैं इनसे भी मुलाकात हो जाएगी। खैर हमारा तो ही एक व्लॉग तक काम रहेगा क्योंकि फिर उसके बाद हम नहीं होंगे। और देख रहे हमारे अमर भाई को बहुत ज़्यादा खफा है, पता नहीं इन पे कौन सी आफत टूट पड़ी है, जब से आई यूनिवर्सिटी इसी तरह सर पकड़ा है और नीचे सर किया होता है, पता नहीं ऐसे मूड बनाया होता है। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। फिर पर्सनल है ना, ये हमारी फ्रेंडशिप है, जो भी गोज होते हैं वो तो हमारे पर्सनली होते हैं, ये वैसे ही मैं व्लॉग में बता रहा हूँ। बाय गाइस, मेरी तरफ से बाय। एक और बात गाइस, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी जितने भी व्लॉग होगा उसमें आपके साथ हम वलीद भाई होंगे। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़ मेरी तरफ से। तो गाइस डिपार्टमेंट टूर तो आप लोगों ने देख लिया होगा, बस अब भूख शूख लगी है हमारे मुनीर भाई को, अमर भाई और मुझे, हम तीनों को बड़ी सख्त भूख लगी है क्योंकि सुबह के आए हुए हैं। तो बस जाते हैं ब्लैक कैफे, खाना वगैरह खाते हैं, तो आप लोगों से फिर ब्लैक कैफे में मुलाकात होगी। तो गाइस इनको कहते हैं कि ब्लैक कैफे पहुँच गए यार, आप ब्लैक कैफे, ये इसका एक्सटीरियर एरिया और इंटीरियर भी आप लोगों को दिखाते हैं, अंदर जाके आप लोगों से मुलाकात करते हैं। वैसे अच्छी अच्छी से अच्छी एड दे देता हूँ क्योंकि उनकी 10% फुल। बर्गर फ्राई करे भाई, एक बंदा बर्गर फ्राई करेगा, एक बंदा पिज्जा फ्राई करेगा, और जो रह जाए वो फिर मुझसे आगे मिल जाए। रेटिंग आउट ऑफ 8.5। अच्छा तो बस ना कर रहे मोबाइल ले, तू कहाँ रखता है? अच्छा बस मैं भी अभी खाना खाता हूँ, मैंने तो एक बाइट ले ली, एक दो बाइटें, तो बस खाना फिनिश करके आप लोगों से फिर मिलते हैं। सच कहूँ तो बर्गर 8 रेटिंग नहीं, वो उसका तो पहला बाइट था, पहला बाइट में टेस्ट नहीं आया, तो पहले बाइट में उसे अच्छा लगा, लेकिन हॉनेस्ट रिव्यू ये बर्गर का कि तकरीबन 3/3 out of 10 इतना बुरा। सालन का टेस्ट आ रहा पूरे बर्गर में, ओनली सिर्फ सालन का टेस्ट ही आ रहा था, और न चीज़ का पता लग रहा है, न चिकन का पता लग रहा है, सिर्फ सालन का टेस्ट आ रहा है और सारा मूड खराब कर दिया इस बर्गर ने। पिज़्ज़ा जो है पिज़्ज़ा रियली पिज़्ज़ा इनका अच्छा है, उसका 8 out of 10, लेकिन बर्गर बहुत अजीब है। हमने जो ऑर्डर किया था तो वो मेरा जितना ख्याल है कौन सा बर्गर था, हाँ चिकन स्टेक बर्गर, चिकन स्टेक बर्गर था, बड़ा अजीब था। तो बस यही ऑनेस्ट रिव्यू था। तो आप ये चीज़ें मुखाते हैं, रिमेंड मार्गरीटा है, ये ख़त्म करके आप लोगों से लेते हैं। अच्छा तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि बर्गर इंतहाई फजूल, और बर्गर के साथ जो हमारा हाल हुआ तो वो ये सीन बने कि आखिर में बर्गर के दरमियान से स्टेक निकाल के ऊपर से हर एक चीज़ हटा के इसमें हमें पता भी नहीं था कि चीज़ भी डाले, वो तो जब सारा कुछ हटा रहे थे तो सब पता लगे इसमें चीज़ भी है। बहुत अजीब सा टेस्ट था। स्टेक कैसे खाते हैं?
के बस बर्गर के दरमियान से स्टैक हटा दिया, पैसे वसूल कर रहे हैं। और हम लोगों ने इधर रेल का वो था, एक बंदे को बुलाया भी उसके साथ बात वगैरह भी की, एक सर्विस बहुत ज़्यादा स्लो है। ये मिनट मार्गरीटा जब हमें रिसीव हुए तो उस वक्त हमने बर्गर खा भी लिया था, और सीरियसली इतने ऐसे खाया है कि दिल अभी भी दिल ख़राब हो रहा है। तो बर्गर को तो मैंने जो 3 रेटिंग दी है वो भी मुझे गलत लग रहा है, और बाकी पिज़्ज़ा इनका सीरियसली बहुत अच्छा है, लेकिन बर्गर नॉट रिकमेंडेड, 0% रिकमेंडेड। तो बस अब देखते हैं, आप बिल वगैरह पे करते हो, बस बिल के बाद आप लोगों से बाहर मुलाकात होती है। तो वो भी देख रहे मजाक था, मजाक था। तो खाना खा के फारिग हो गए थे आप लोगों ने, बिल भी देख लिया होगा, और बर्गर क्या कहे, और यूनिवर्सिटी से भी आ गए थे इधर खाना वगैरह, तो बिल्कुल फ्रेश हो गए। वीडियो को लाइक लाजमी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन लाजमी दबाना। आप लोगों से मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।